सुदर्शन चक्रधार श्री सुदर्शन चक्रधार अश्विन बकुल नंदा बड़ा लंबा नाम हो जाता है, तो मैंने सुदर्शन चक्र ले लिया, नंदा का था सुनंदा, दो आचे सुनंदा। और मैं समझता हूँ कि 25 साल बाद स्वर्ण जयंती भी हम लोग यहाँ पे इसी प्रकार व्यस्त करेंगे, ऐसा ही माहौल बनेगा और कुछ लोग और जुड़ेंगे। मित्रों कविता की बात क्या, आप व्यवसायिक मंचों पर जाते हैं तो अलग ढंग की कविता से वहाँ पर बढ़ता है, हाथ सुधर तालियाँ चेयर वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन कभी कभी कुछ मन की कविता भी सुनाने का मन होता है, तो आज एक ऐसी ही कविता मैं आपके सामने करूँ। और हमारे परमानंद श्रोता आप लोग की कविता नहीं सुने, जहाँ बात सुदर्शन जी ने खत्म की थी वहीं से शुरू करता हूँ कि जहाँ सूखा हुआ दरिया लहू से भर गया होगा। मैं जो कविता सुनाने वाला हूँ उसकी भूमिका में चारण किया कि जहाँ सूखा हुआ दरिया लहू से भर गया होगा वहाँ इंसान की आंखों का पानी भर गया होगा। जहाँ सूखा हुआ दरिया लहू से भर गया होगा वहाँ इंसान की आंखों का पानी भर गया होगा। और ये वैसी काम मजहब का तो हो नहीं सकता, कोई शैतान तेरे हाथों में खंजर तो बात करो मेरे बच्चे से बस। और यहाँ बहुत सारे अखबार वाले लोग मौजूद है, बात अखबार की है, देश के भाव की है, एक मानसिकता की है। वक्त के हालात का अखबार हो गया है, वक्त के हालात का अखबार हो गया है, अच्छा लगा मेरा बेटा समझदार हो गया। वक्त के हालात का अखबार हो गया है, अच्छा लगा मेरा बेटा समझदार हो गया है। कल वो वक्त की धारा में बह रहा था और पड़ोस के बच्चे से कह रहा था, यार गिल्ली डंडा चोर सिपाही ये खेल अब अच्छे नहीं लगते, और वैसे भी अब हम बच्चे नहीं लगते, अब हम नया रूप धरेंगे, बड़ों के बड़े खेल खेलेंगे, मैं हिंदू बन जाता हूँ तू मुसलमान बन जाना, मैं मस्जिद जलाऊंगा तू मंदिर जलाना, मेरे हाथ में तलवार होगी तू भाला चलाना, मैं तुझे मारूंगा तू मुझे मार डालना, मेरी मम्मी रोएगी तेरी अम्मी आंसू बहाएगी, सारा जग ये तमाशा देख कर मुस्कुराएगा, सचमुच बड़ा मजा आएगा, सचमुच बड़ा मजा। मैं हिंदू बन जाता हूँ तो मुसलमान बन जाना, मैं मस्जिद गिराऊंगा तो मस्जिद मंदिर जलाना, मैं मेरे हाथ में तलवार होगी तू भाला चलाना, मैं तुझे मारूंगा तू मुझे मार डालना, मेरी मम्मी बोलूंगी तेरी अम्मी आंसू बहाएगी, सारा जग ये तमाशा देख कर मुस्कुराएगा, सचमुच बड़ा मजा आ रहा है, आने वाले वक्त का इश्तहार हो गया है, अच्छा लगा मेरा बेटा समझदार हो गया। गिल्ली डंडा बैट डंडा कांच की गोलियां हरी फील्ड कांच की गोलियां बैट डंडा बंजा भौरा ये सारे उसने कोने में धर दिए है, और चमचियों की चाकू तलवारें खिलौने के तमंचे बंदूके दीवार पर लगे खौफ नाक नारे हरी पीली झंडियां उसने इकट्ठे कर लिए है, अब वो अभिनय करने लगा है दंगाइयों के बीच गिर जाने का, बंदूक की गोली खा के गिर जाने का, या जलते हुए घर में झुलस कर मर जाने का। लगता है हर हादसे के लिए वो तैयार हो गया है, अच्छा लगा मेरा बेटा समझदार हो गया।